सारे टाइप की एक्टिविटीज बच्चों को हम कराते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज भी है, कल्चरल एक्टिविटीज भी है। ब्रांच की डिग्री के साथ साथ में माइनर स्पेशलाइजेशन की डिग्री भी दी जाएगी। तो हमारे पास काफी बच्चे बड़े खुशी से अपने इंस्टीट्यूट को वापस उसका दीदार करने आते हैं। 6 डिफरेंट ब्रांचेस में बच्चों को ट्रेन करता है। 2004 में यू टेक्नो सोसाइटी बनाई थी, जो आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। हमारे प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का जो सपना है, उसके लिए यूआईटी अपने सभी इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ लेकर अग्रसर है। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जो हैं संजीव पुरी जी, उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। इंजीनियरिंग के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो कि अभी जिनका रिजल्ट निकला है और जिन्होंने जेईई में पार्टिसिपेट किया था, उनका एडमिशन प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए शुरू हो चुका है। जो जिनका रुझान इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए है, तो वो जैक की काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जॉइंट एडमिशन कमेटी की जैक चंडीगढ़ की जो है एडमिशन शुरू हो चुकी है। आइए हम संजीव पुरी जी से जानते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं यहाँ यूआईटी या जैक काउंसलिंग चंडीगढ़ की जो है, इसमें कौन कौन से कॉलेजेस जुड़े हुए हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आप यहाँ यूआईटी में आए, जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर दूंगा विस्तार से। सो पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा, जैक 24 क्या चीज़ है। सर, ये जैक 24 इज ए जॉइंट एडमिशन कमेटी फॉर द सेशन 24 ऑनवर्ड। ये जॉइंट एडमिशन कमेटी उन सभी इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स को बना के बनी है, जिसको कि गवर्नमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया हुआ है। ये जॉइंट एडमिशन कमेटी सबसे पहले केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2004, एंड सिंस देन दिस कमेटी इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग एडमिशंस at various institutions which come under this JAC. Currently, there are 5 different institutions whose admission this JAC committee looks after. Ye institutions hain, University Institute of Engineering and Technology at Punjab University, Chandigarh, Dr. S.S. Bhatnagar University Institute of Chemical and Engineering, Punjab University, Chandigarh, CCA, Chandigarh College of Architect, CCET, Chandigarh College of Engineering and Technology, and all these institutions, 4 institutions are housed at Chandigarh. Jo hamara panchwa institution hai, which comes under the ambit of JAC 2024, is Punjab University, Shri Sarvanand Giri University Institute of Engineering and Technology at Hoshiarpur. Kaun kaun si branches UIT mein hai, sir? Haan, hum agar UIT ki baat karein specifically, तो यूआईटी 5-6 डिफरेंट ब्रांचेस में बच्चों को ट्रेन करता है। ये ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक इंजीनियरिंग। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक्स है और रोबोटिक्स है, ये नई स्ट्रीम्स जो है एडिशन कॉलेजेस ने करनी शुरू करी हैं, तो इसके लिए अगर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि ये स्ट्रीम्स पता नहीं यहाँ पे अवेलेबल होंगी या नहीं, क्या इसके अपडेट करने के लिए कोर्सेज यहाँ पे इन स्ट्रीम्स में आप ब्रांचेस के साथ करवाते हैं क्या स्टूडेंट्स को? जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड गो एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। हम सभी ब्रांचेस में at UIT we are going to start minor specialization. ये minor specialization from 2024 onward सभी branches में दिया जाएगा। Around 10 different minor specialization would be offered to the students who are aspiring to get admission in UIT. हर branch की जो minor specialization होगी, उसमें बच्चों को जो final degree मिलेगी, उस branch की degree के साथ साथ में minor specialization की degree भी दी जाएगी।
ये 10 डिफरेंट ब्रांच जो स्पेशलाइजेशन है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, टू गिव फ्यू एग्जांपल्स विच वुड अलाउ स्टूडेंट्स टू गेट स्पेशलाइज्ड अंडर दीज स्पेशल ब्रांचेस जो कि रिक्वायर्ड हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए टू मेक इट रिक्वायर्ड फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन UIET. इंडस्ट्री जो यहाँ पे आपके यहाँ पे कंपनीज आती हैं वो करिकुलम अपनी नीड के हिसाब से सेटअप करवाती हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं जनरली यहाँ पे आती हैं और क्या पैकेजेस जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता रहा है। जी, बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपना न्यू क्यूरिकुलम डिज़ाइन करें उसमें नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज ऑलवेज लुक्ड इनटू। तो हमारे UIT में रेगुलर क्यूरिकुलम रिवीजन चलती हैं, दीज आर कैरिड आउट अंडर ए स्पेसिफाइड वर्कशॉप विच इज बीइंग कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल ब्रांचेस ऑफ UIT। इस क्यूरिकुलम अपग्रेडेशन के लिए UIT के अपने प्रोफेसर्स, सीनियर प्रोफेसर एंड इंजीनियर्स फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो द इंडस्ट्री पर्सनल्स आर एक्टिवली एंगेज्ड इन रिवाइजिंग दोस क्यूरिकुलम एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। UIT में जो है स्पेशल आपका क्या USP है और क्यों एडमिशन स्टूडेंट्स यहीं पे लें? हाँ जी, मैं इसके साथ आपका पहले पार्ट का भी आंसर देना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी UIT में फॉर लास्ट मैनी ईयर्स बहुत इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया हुआ है कि लास्ट ईयर ऑल्सो मोर देन 50 डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज विजिटेड UIT टू गिव प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये कहने के लिए कि बच्चों का जो एवरेज पैकेज लास्ट ईयर्स में रहा वो था 9.1 लाख, जो कि हाईएस्ट पैकेज लास्ट फ्यू ईयर्स में जो देखा गया, विच टर्न आउट टू बी अराउंड 42 लाख। सो वी आर हैप्पी दैट द टॉप नॉच कंपनीज ऑफ द कंट्री दे विजिट UIT टू हायर द UIT टैलेंट टू मेक देम सक्सेसफुल इन द करियर्स। हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी UIET के पूर्व डायरेक्टर मिस्टर जितेंद्र गोस्वामी भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि UIT में ये जो काउंसलिंग जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग है 2024, इससे पहले जो काउंसलिंग हुई है पिछले सालों में, तो कौन कौन सी UIT में हमारे पास स्ट्रीम्स हैं और उसमें कितनी मेरिट जो है अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर जाती है ताकि बच्चे उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। UIT में हमारे पास 6 स्ट्रीम्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नो इंजीनियरिंग। अब मैं आपको इनके बता देता हूँ कि भाई लास्ट रैंक क्या लास्ट ईयर गए और ये तकरीबन एक एवरेज रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 46,000 के करीब नेशनल रैंक जो था उस पर एडमिशन बंद हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 76,000 पे हुई थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 56,000 पे हुई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 90,000 पे हुई थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 80-85,000 के बीच चले जाती है और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करीब करीब 2,34,000 के करीब पहुंचती है। जैसे हमसे पूछा गया कि भाई हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो मैं पहले बता दूं कि ऑन एवरेज हमारे पास 50-60 लीडिंग कंपनीज हर साल विजिट करती हैं, जो कि इनमें कुछ तो ऐसी हैं जो इंटर्नशिप देकर हमें प्लेसमेंट देती हैं, कुछ डायरेक्टली प्लेसमेंट देती हैं। इनमें जो अच्छी कंपनियों में है अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, देन अमेरिकन एक्सप्रेस, ये बहुत अच्छी कंपनियों में आती हैं और ये हमारे पास हमसे कम से कम नहीं तो 40-50 स्टूडेंट लेके जाते हैं जिनके पैकेज 30-40 लाख से ऊपर होते हैं। और काफ़ी कंपनीज हैं जो हमारे पास बल्क में लेके जाती हैं, जिनमें इंफोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और बहुत सारी कंपनीज हैं जो
बल्क में भी लेके जाती हैं, उनके पैकेजेस करीब करीब 8 से 10 लाख से लेकर 12-14 लाख तक भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और किस तरह की एक्टिविटीज़ यूआईटी में रहती हैं ताकि जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है एक निखार लाती हैं? देखिए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, पर साथ साथ और बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चाहिए जिससे कि बच्चे इंडस्ट्री के लिए और सोसाइटी के लिए तैयार हो सकें। सो जैसे मैंने पहले कहा कि भी कोर्स वर्क तो उनको पूरे ध्यान से, पूरे धैर्य से और पूरे जोश से करना होगा जिससे कि वो जो उनकी ट्रेनिंग है पूरी हो और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। इसके साथ हम लोगों ने बच्चों को बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो फैकल्टी लेके आते हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि उनको इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लग सके और वो सॉल्व करने की सक्षमता पा सकें। इसके अलावा हमारे बच्चे बहुत सारे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की ओर भी जो काफ़ी रुझान रखते हैं और इसमें एक हमने TBIU टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन यूनिट UIT में बनाया है। ये इसको अब करीब करीब 3-4 साल हो गए हैं चलते और इसमें से 8 से 9 प्रोडक्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप की ओर निकल चुके हैं और ये कमर्शलाइजेशन के प्रोसेस की ओर चल रहे हैं। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और इनमें कई प्रोडक्ट्स को और कई टेक्नोलॉजीज़ को इवन नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई कार्यक्रमों में सम्मानित किया है। और इसके एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा हम लोगों ने 2004 में यू टेक्नो सोसाइटी बनाई थी जो आज एक बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है और इसमें सारे टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों को हम कराते हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी है, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी है, परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ भी है और विजन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी हैं जिससे कि हमारे बच्चे बहुत एरियाज में नॉट ओनली एक इंजीनियरिंग में ही जाते हैं, वो मैनेजमेंट में भी काफ़ी बड़े टेक्नोक्रेट्स की और उनकी क्षमता बनती है, वो परफॉर्मेंस के एरिया में और डिफरेंट एरियाज में भी काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। हम लोगों के एलुमनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है। कुछ का जो मैं आपको बताना चाहूँ तो जो एयरबस के नंबर 2 पोजीशन पे मिस्टर सनी गुगलानी भारत के हेलीकॉप्टर डिवीजन में हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के 2006 के बैच के स्टूडेंट हैं। इसी तरह सुमित ग्रोवर टेक महिंद्रा के में पहले कुछ ऊंचे पायदानों पर आते हैं, वो भी 2006 के बैच के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इस तरह और बहुत सारी कंपनीज में, एप्पल में, वॉलमार्ट में हमारे बच्चे काफ़ी प्रिविलेज पोजीशन पे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आज भी इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं और जब भी उनसे कुछ भी हम जानकारी चाहें या हमारे बच्चे जानकारी चाहें, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। उनके थ्रू में काफ़ी इंटर्नशिप्स, काफ़ी प्लेसमेंट्स के सपोर्ट काफ़ी रहते हैं और टाइम टू टाइम जब भी हम रीयूनियन करते हैं तो हमारे पास काफ़ी बच्चे बड़े खुशी से अपने इंस्टीट्यूट को वापस उसका दीदार करने आते हैं। हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो अकेले चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा ही नहीं, काफ़ी देश के दूर दराज इलाकों से आते हैं जैसे कि UP, बिहार, राजस्थान और नीचे साउथ इंडिया से भी काफ़ी बच्चे आते हैं। और जब इनमें बहुत सारे बच्चों को आपके मतलब माली हालत इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये पब्लिक इंस्टीट्यूट है तो इनको हमारा सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी जगहों से स्कॉलरशिप के एफर्ट्स करके स्कॉलरशिप्स के लेके आए हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स पंजाब यूनिवर्सिटी खुद देती है मेरिट एंड मीन्स के टर्म पर, वो हमारे बच्चे अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो वो उसको उसके भागीदार हो सकते हैं। इसी तरह हमने नेशनल और स्टेट स्कॉलरशिप्स जो भी बच्चे अपने स्टेट से लेकर आते हैं उनको हम पूरी परवानगी देते हैं UIT में। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी ऐसी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि जिन्हें हम प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप्स कह सकते हैं, जैसे श्रमन फाउंडेशन डालास USA ने 38 इंस्टीट्यूट्स को स्कॉलरशिप देने की मुहिम चलाई जिनमें कि 32 इंस्टीट्यूट IITs एंड NITs हैं, पर UIT को भी उसमें एक जगह दी गई और उसमें 40 स्कॉलरशिप्स जो कि 25,000 पर सेमेस्टर से के रेट पे 2 लाख पूरे साल का पूरे कोर्स का देंगे वो शुरू हो चुका है। उसमें फ़िलहाल उन्होंने हमारे 24 बच्चों को इस काबिल पाया है कि वो इस स्कॉलरशिप के को ले सकते हैं और अगले
सिलेक्शन प्रोसेस बच्चे 16 के लिए चल रहा है। इसी तरह हम लोगों के पास कई कई और फिलेंथ्रोफिस्ट लोकल फिलेंथ्रोफिस्ट हैं जिन्होंने 2 से लेकर 5-10 स्कॉलरशिप्स तक दी हुई हैं, जिनमें रोटरी क्लब है, जिनमें मिस्टर रोहित खन्ना है और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडरगत कई इंडस्ट्रीज स्कॉलरशिप्स अलॉट करती हैं, उनमें हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो वहाँ अप्लाई करें, जिनमें जैसे रिलायंस फाउंडेशन की, टिस्को की, बैंक ऑफ बड़ौदा की, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं और हमारे बच्चे काफ़ी अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस करके इन स्कॉलरशिप्स को के विजेता बनते हैं। इस ये स्कॉलरशिप्स का एक एडवांटेज या अकेला ये नहीं है कि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, इससे एक लाइफ का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि वो एक बहुत बड़े जो स्टूडेंट्स का एंसेंबल है उसमें से निकलकर वो आगे विक्टोरियस निकलते हैं, वो एक उनको आगे बढ़ के सिंगल आउट होके अपने आप को प्रूव करने की एक क्षमता भी बनती है। टू गेट एडमिशन इन दीज 5 इंस्टीट्यूट्स एज टोल्ड बाय प्रोफेसर पुरी वी हैव जैक 2024। तो जैक 2024 के लिए बच्चे को सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक वेबसाइट है उसके लिए, उसका लिंक हमारी UIT की वेबसाइट पे भी बच्चे को मिल सकता है और वो लिंक है jackcht.admissions.nic.in और वो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट मई से स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे को वहाँ पर जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, एक काउंसलिंग फ़ी पे करना है 2800 का जनरल कैटेगरी को और 1400 का SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। एक बार फ़ी पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको अपने जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा अप टू लास्ट वीक ऑफ जून तक चलेगा। उसके बाद बच्चों को चॉइसेस फिल करने की ऑप्शन दी जाएगी, वो इन 5 कॉलेजेस में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली उन चॉइसेस का ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनको एक मॉक काउंसलिंग का राउंड होगा जिसमें दे विल बी एबल टू नो कि अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस सिलेक्शन उनको कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा ब्रांच ऑफर हो रहा है। वो उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनको ये नहीं चाहिए था, उन्होंने गलत चॉइस फिल कर दिया, ऑर्डर फिल कर दिया, तो दे कैन चेंज देयर प्रेफरेंस ऑर्डर। एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा। जिन बच्चों को अराउंड में सीट अलॉट हो जाएगा उनको अपना एक फ़ी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा 40,000 रुपीज़ का, उनका वो सीट हो जाएगा, उनको यहाँ फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट जो बच्चों को चाहिए कि वो सीट इज़ ओके, वो वहीं पर रुक जाएंगे, वो फ्रीज कर सकते हैं, बट जो अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए वो फैसिलिटी है सेकेंड एंड थर्ड राउंड में। सेकेंड राउंड में फिर वो बच्चे फिर से अपना चॉइसेस फिल करेंगे एंड देन थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के बाद बच्चा यहाँ पे आएगा, फिजिकली रिपोर्ट करेगा। इवन आफ्टर द थर्ड राउंड अगर कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं या बच्चा किसी रीज़न से रजिस्टर नहीं कर पाया था जून तक, तो हमारा फिर से एक राउंड स्टार्ट होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन ओपन की जाती हैं। तो वो स्पेशल राउंड के नाम से है और बच्चे उसमें अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड उसके बाद भी एक और राउंड है, स्पॉट राउंड, एंड उसके बाद हमारा एडमिशन फाइनल हो जाता है। जिस बच्चे को जो सीट मिला जिस इंस्टीट्यूट में उसको वहाँ पर जाके अपने आप को रिपोर्ट करना पड़ता है।